हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और देखिए, आज मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए पास्ता लेके आई हूँ, जो कि बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। और अब तो बच्चे क्या हैं, इसको बड़े भी सब खाते हैं और बहुत मन से खाते हैं। वो किसी भी तरीके का पास्ता हो, चाहे वो क्रीमी हो या मसाला हो या वेजिटेबल पास्ता हो। तो देखिए मेरे साथ, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको। तो इसके लिए हमने पहले दो प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसको हम जो है लंबा लंबा लच्छे की तरह काट लेते हैं। देखिए किस तरीके से मैं काट रही हूँ, उसी तरीके से आप दो प्याज को काट लीजिए। और जैसे ही ये प्याज कट जाएंगे, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वेजिटेबल होगी टमाटर। तो पहले प्याज को आप अच्छी तरीके से काट लीजिए। तो इसमें बहुत कम सब्जियाँ पड़ती हैं, जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया और थोड़ी सी हरी मिर्च अगर आपको ज़रूरी हो। अब आप क्या करेंगे कि आपने कुछ लहसुन की कलियां ले ली हैं, इनको आप कूट लेंगे दो हरी मिर्च के साथ। तो जब इसका पेस्ट पड़ता है पास्ता में, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये दो हरी मिर्च भी डाल लीजिए और इनको अच्छी तरीके से कूट लीजिए। इसका देखिएगा, जब आप मिलाएंगे अपना पास्ता को बनाते समय, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में और इसका अलग सा ही फ्लेवर आता है, इटालियन और चाइनीज़ डिश की तरह। अब देखिए, टमाटर ले लिया है आपने एक मीडियम साइज़ का, और उसको भी आप लंबा लंबा लच्छे की तरह काट लेते हैं। ऐसे ही लंबे लंबा लंबा लच्छे की तरह आप काट लीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ता को उबालने के लिए आप क्या करेंगे, आप पास्ता को सबसे पहले पानी चढ़ा देंगे, पानी को उबलने देंगे और उसमें एक स्पून नमक डाल देंगे और उसमें अपना पास्ता डाल देंगे और उसको उबलने देंगे। जैसे ही वो हल्का हल्का उबल जाएगा और लगेगा कि आपको गल गया है, तो फिर उसमें आप छान के उसमें हल्का सा ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि पास्ता अलग अलग हो जाता है और चिपकता नहीं है। अब क्या करेंगे कि हमें कैसे बनाना है कि पैन चढ़ा दीजिए, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के उसमें जीरा डाल दीजिए और प्याज को आप, जो आपने प्याज काट के रखा था, उसको आप भून लीजिए। प्याज को हल्का हल्का सा जैसे ही पिंक हो जाए, तो उसमें आप अपने टमाटर भी छोड़ दीजिए, जो टमाटर आपने डाले थे उन टमाटर को भी डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिला लीजिए। जैसे ये थोड़ा थोड़ा सा भून जाए, बहुत ज़्यादा मत इसमें भूनिएगा, क्योंकि इसमें हल्का हल्का सा कमी कम भून के जो है सब्जियाँ रखी जाती हैं, तभी इसमें टेस्ट आता है। अब इसमें जो आपने पास्ता उबाल के रखा था, उस पास्ता को भी डाल दीजिए और अच्छी तरीके से मिला लीजिए। देखिए जिस तरीके से मैं मिला रही हूँ, इसी तरीके से आप मिला लीजिए। जब आप इसमें अच्छी तरीके से मिला लेंगे और जितना आप उसको मिलाते जाएंगे, तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा अपने आप ही आता जाएगा। देखिए ये पास्ता कितना सुंदर लग रहा है और कितने सही तरीके से उबल गया है। इससे ज़्यादा आपको नहीं उबालना है और इससे कम भी नहीं, ऐसा उबालना है कि बच्चों को टेस्ट आए और बच्चे बहुत मन से खाएं। अब इसके बाद आपको थोड़े मसाले डालने हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए और 1 टेबल स्पून आपने ये धनिया पाउडर डाल दिया है। इसके अलावा आपको कोई और नहीं मसाला डालना है और इसको अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए। जब ये अच्छी तरीके से मिल जाएगा, तब इसमें हम दूसरे एक दो अलग से मसाले डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं कुछ ट्विस्ट के साथ आपको बताऊंगी। अब जो आपने जो कूट के रखा था लहसुन और मिर्च का पेस्ट, वो आप इसमें मिला दीजिए। ये ज़रूर डालिएगा दोस्तों, क्योंकि जब ये लहसुन और मिर्च का पेस्ट जाता है इसमें, तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में और अलग सा ही स्वाद आता है। अब मेरे पास एक चिली फ्लेक का पैकेट रखा था, मैंने पिसी मिर्च नहीं डाल के ये चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं इसमें। इसमें अलग सा ही स्वाद आता है, बिल्कुल जैसे जैसे आपका आता है दूसरी डिशेज में, वैसे ही इसमें भी आता है आपका स्वाद। तो इसमें आप चिली फ्लेक्स डालिएगा, ना कि पिसी हुई मिर्च डालिएगा, ठीक है। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए और जैसे ये थोड़ा सा चलाने के बाद, आप इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, जो कि है काली मिर्च। तो अगर आपके पास काली मिर्च खड़ी हो तो उसे पीस लीजिएगा, नहीं तो मैंने जो है यहाँ पिसी काली मिर्च डाल दी है। और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से फिर से मिला लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब आप ये बना के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाएंगे, तो सब आपकी तारीफ बहुत करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और 2-3 सब्जियों के साथ बस बन के ये तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें टोमेटो कैचअप आप डाल दीजिए। टोमेटो केचप थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, जिससे टोमेटो केचप का स्वाद इसमें भरपूर आता है और खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। अब जब टोमेटो केचप डालने के बाद, आप इसको अच्छी तरीके से इसमें सॉटे कर दीजिएगा, इसमें मिला दीजिएगा। जब आप मिला देंगे तो एक अलग सा स्वाद आएगा। तो मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा टोमेटो केचप ज़्यादा डाला जाता है, तो आप इसमें थोड़ा सा टोमेटो केचप ज़्यादा डालिएगा और तब इसमें स्वाद बहुत अच्छा आएगा।
टोमेटो केचप डालने के बाद इसमें ये देखिए, हाँ थोड़ा सा टोमेटो केचप आप और डाल दीजिए। और अब आप सर्व करेंगे तो आपके फैमिली फ्रेंड्स सब आपकी बहुत तारीफ करेंगे और सब पूछेंगे आपने ये कैसे बनाया है। और इसमें सीजनिंग आप थोड़ी सी आप डालिएगा चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई